हर हफ्ते इसके एक एक एपिसोड का इंतजार किया इस उम्मीद में कि यार अब ये सीजन अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैंने जितनी भी उम्मीदें इससे लगाई थी इस पूरी उम्मीदों के ऊपर ये सीजन पानी फेर देता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे द बॉयज सीजन 4 वेब सीरीज के बारे में, जिसे आप अमेज़न के OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और हर बार के तरीके से इस सीजन के अंदर भी 8 एपिसोड रखे गए हैं। अब बात करें कि इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा, उससे पहले हम इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं। देखो इसकी कहानी और एक जो करेक्टर है फ्रेंची, जिसका नाम फ्रेंची जो भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इरिटेट किया है इस करेक्टर ने मुझे। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी की चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन नहीं देखे हैं तो जाकर वो देखो, तभी आप लोगों को इसके फोर्थ सीजन की कहानी समझ में आएगा, तभी आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या चल रहा है। वैसे इसके फोर्थ सीजन में इतना कुछ खास चल भी नहीं रहा है। तो द बॉयज की टीम वापस आ जाती है, जो सूप्स हैं या सुपर हीरोज हैं या हीरोज के रूप में जो छुपे विलन हैं उनकी असलियत लोगों के सामने लाने। एक्चुअल में होमलैंडर की जो असलियत है, वोट की जो असलियत है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोई आपके हितकरी नहीं है, मतलब वो आम जनता की कोई परवाह नहीं करते हैं, बस अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, उनको पैसे कमाने हैं, सत्ता में बना रहना है, अपना शासन चाहिए उन लोगों को, इस तरीके की जो सोच है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं द बॉयज की टीम। पिछले 3 सीजन में तो यही चल रहा था और अभी भी 4 सीजन में यही चल रहा है। बस इसकी तरीके से 5th सीजन, 6th सीजन, 7th सीजन, ऐसे कितने ही सीजन ले आओ, ये चीज तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है, क्योंकि 4th सीजन को देखने के बाद ऐसी फीलिंग मुझे आई है। तो ये है इस 4th सीजन की कहानी। अब बात करें इसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी कमियां हैं उसके बारे में बात करें, क्योंकि भर भर के इसके अंदर कमियां, इतनी उम्मीदें थी सब पे पानी फेर दिया इस 4th सीजन में। हर एपिसोड जैसे जैसे आता है गुस्सा बढ़ते चला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा निराशा देता है, कहानी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाई जाती है। अरे क्या झक मार रहे थे, 8 एपिसोड दे दिए, 8 एपिसोड में कितनी कहानी आगे बढ़ा रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। जो फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन के अंदर क्यूरियोसिटी थी, हर एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था एक इच्छा बढ़ रही थी कि यार इसके अंदर आगे क्या दिखाया जाएगा, थर्ड सीजन जैसे खत्म होता है एक उम्मीद होती है कि यार 4th सीजन ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे 4 से 5 एपिसोड निकल जाते हैं उसमें ये नहीं पता चलता कि द बॉयज की टीम एक्चुअल में उनका मिशन क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं, इसमें स्टोरी किस मोड पे जा रही है। और सच कहूं इसके 8 एपिसोड हैं और 8 एपिसोड को मैं ये कह सकता हूं कि 2 ही एपिसोड में भी खत्म कर सकते थे, या फिर कहूं एक ही एपिसोड में खत्म कर सकते थे, इस तरीके की इस हद तक बोर किया गया है। इसमें मैं कह सकता हूं कि अननेसेसरी सीन बहुत ज्यादा है, स्लो इस सीजन को रखा गया और इस बार मेकर्स ने भाई साहब VFX का खर्चा बचा लिया क्योंकि VFX वाले सीन इन्होंने डाले ही नहीं। और फिर मेकर्स ने सोचा क्यों ना 8th एपिसोड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और एक ही पोस्ट सीन या फिर कहीं एक सरप्राइज के तरीके से एक ऐसा सीन लेके आते हैं जो लोगों को ये दिखाने के लिए, देखो भैया अगर अब 5th सीजन आएगा तो पता नहीं कितना ही कमाल का हो जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 एपिसोड देखने के बाद इतने ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उस पोस्ट सीन से, उस सरप्राइज से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। अरे किसी को ले आओ, क्या फर्क पड़ता है यार, तुमने जिस तरीके से 4th सीजन में कहानी का गुड़ गोबर कर दिया 5th सीजन में भी वैसा ही कर दोगे। बुजर जो मेरे लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर था, मैं कह सकता हूँ कि इस बार इस सीजन में 4th सीजन में उसकी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है, उसको बहुत कम एक तरीके से दिखाया गया है, उसको स्क्रीन टाइम बहुत कम दिया गया है, MM पता नहीं क्या झक मार रहा है। बाकी बॉयज की टीम, खासकर ये फ्रेंची करेक्टर, अभी दिखाना क्या चाहते हो तुम, LGBTQ कम्युनिटी को खुश करना चाहते हो और इसके लिए कुछ भी कर जाओगे, इतने ज्यादा लिबरल बन जाओगे, बस नंगे ही हो जाओगे स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंची किसको पसंद करता है, लड़के को पसंद करता है, लड़की को पसंद करता है? अभी एक चीज और रह गई, शायद वो जानवर को और दिखाना बाकी रह गया, अब अगले सीजन में दिखा देना कि फ्रेंची जानवर को भी पसंद करता है। अरे ये करेक्टर है क्या यार, इस करेक्टर को देखकर इस पे तरस नहीं आता है, इस पे मतलब नफरत सी हो रही है, देख के इरिटेशन होती है फ्रेंची को देखकर, क्या बना दिया, अच्छा खासा करेक्टर था यार 3 सीजन में, अच्छा चल रहा था, लेकिन 4th सीजन में नहीं, हमें तो यार और ज्यादा लिबरल बनना है, हमें तो इसको बायसेक्सुअल दिखाना है, ये लड़के को भी पसंद कर सकता है, लड़की को भी पसंद कर सकता है, ये तो दोनों की प्रायोरिटी लेके चल सकता है, हाँ जानवरों की और दिखा देना बस। पूरा सीजन ये देखने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि भाई साहब ये पूरा लेफ्टिस्ट विचारधारा का है, मतलब जिसमें ये सब वो सब नंगे दिखाएंगे, सब कुछ लिबरल दिखाएंगे, इनको कोई भी परवाह नहीं किसी भी चीज की। राइट विंग जिस तरीके से इसके अंदर दिखाया गया कि देखो ये सत्ता के भूखे हैं, ये धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, ये देश के नाम पे लोगों के सिंपैथी गेन करते हैं, इनको देश की कोई परवाह नहीं है, बस ये अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जिस तरीके की मुझे फीलिंग आई इस सीजन को देखकर ऐसा ही लगता है। और अब बात करें कि इस सीजन के अंदर क्या अच्छा है, तो इसका 4th एपिसोड कह लो और 8th एपिसोड कह लो जो कुछ थोड़ा बहुत ढंग का हमें लगता है, बाकी एपिसोड तो यार निराश ही करते हैं। बस इतना ही था इसके अंदर अच्छा। और अगर आप लोगों ने ये सीजन देखा है, इसका 4th सीजन देखा है, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरी तरफ से तो इसको मैं देना चाहूंगा 4 out of 10। अगर इसके हिंदी डबिंग की बात करें तो हाँ वो अच्छी है, एडल्ट सीन है इसके अंदर और वायलेंस काफी ज्यादा है, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस सीजन को नहीं देखा है तो स्किप कर करके भी देख सकते हो, क्योंकि कुछ एपिसोड मैंने इसको स्किप करके ही देखा, इस हद तक बोर किया है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।